आज हम लोग का चैप्टर है वॉइस। अब वॉइस का हिंदी क्या होता है? वॉच। वॉच वॉइस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला का नाम क्या है? एक्टिव वॉइस। दूसरा का नाम क्या है? पैसिव वॉइस। एक पहला हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा पैसिव वॉइस। वॉइस बनाने के लिए भी आता है, एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले चेंज करने के बारे में पढ़े कि अगर आई इधर रहेगा और हमको उसको इस साइड ले जाना हो तो आई किस में चेंज हो जाता है? मी में। और मी जब इस साइड रहेगा और हमको इस साइड ले जाना हो तो किस में चेंज हो जाएगा? आई में। ही इस साइड से इस साइड आने में क्या बदल जाता है? हिम। और हिम इस साइड से इस साइड आने में ही। सी को इस साइड से इस साइड लाने में हर, और हर को इस साइड से इस साइड लाने में सी। यू दोनों साइड यू ही रहता है, ये कुछ बदलता नहीं है। फिर बात करते हैं वी। वी हमारा बदलता है अस, अस बदलता है वी, दे बदलता है देम, और देम फिर वापस किसमें बदल जाता है? दे में, है ना, साइड चेंज होने पर। और नेम दोनों साइड नेम ही रहता है। और वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमारा दिया रहता है रूल में, अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया रहता है बनाने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर एक्टिव वॉइस इसकी बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा, सब्जेक्ट V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ये ऑब्जेक्ट पीछे से आगे आ जाएगा और यही क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। प्लस अपने मन से हम इज आर या तो एम का प्रयोग करेंगे। प्लस V1 हो या V5 हो दोनों को हम किस में बदल देते हैं? V3 में। और V3 के तुरंत बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं और ये सब्जेक्ट आगे से चल जाता है पीछे और क्या बन जाता है? करा है ही हेल्प्स मी, तो पीछे में क्या है जी? मी। हमने बताया था मी को इस साइड से इस साइड लाने में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और इसको हमको सब्जेक्ट बनाना है तो इस साइड से इस साइड लाना है, तो इस साइड से इस साइड लाने में क्या बदल जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? हेल्प का तीसरा रूप हेल्प में क्या होगा? हेल्प। और जैसे हम V3 का प्रयोग करते हैं तुरंत बाद क्या प्रयोग करेंगे? बाय। ही चेंज होगा किसमें? क्योंकि इस साइड से इस साइड आ रहा और इस साइड से इस साइड आने में किसमें बदलता है? दूसरा राम इट्स ए मैंगो, तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ए मैंगो। तो पीछे से ए मैंगो आगे आएगा तो ए मैंगो का ए मैंगो। ए मैंगो सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज। इट भी यहाँ तो इट्स अभी V5 है लेकिन इसको V3 में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? और जैसे ही V3 का प्रयोग करते हैं तुरंत बाद, और बाकी नाम तो हमारा इस साइड से इस साइड आए चाहे इस साइड से इस साइड आए वो जस का तस रहता है। तो यहाँ बाई क्या हो जाएगा? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं जरा सा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जरा प्रेजेंट इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इसका वॉइस दिया हुआ है हमको बनाने के लिए तो फिर उसको बनाने का क्या तरीका है? पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर किस प्रकार रहता है। सब्जेक्ट प्लस इज आर या तो एन, और प्लस वर्ब का चौथा रूप, और प्लस हमारा रहता है ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यही ऑब्जेक्ट पीछे से हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट में बदलेगा। प्लस जो इज आर एम लगना था वो हम लगाएंगे जिस सब्जेक्ट के साथ जो लगेगा, और ठीक V4 के पहले हमको क्या प्रयोग करना है? बीइंग का प्रयोग करना है। तो ये हमारा हो गया बीइंग। प्लस जो V4 है वो चेंज हो जाएगा V3 में, और V3 के तुरंत बाद लगा देंगे बाई, और ये सब्जेक्ट इधर जाके बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम हेल्पिंग यू। ये देखिए V4 वाला, तो यू पीछे से आगे आएगा तो यू तो नो चेंज, क्योंकि यू दोनों साइड नहीं बदलता है, तो यू जस्ट का तस। लेकिन यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर। V4 के पहले हमने क्या बताया? बीइंग। और जैसे ही बीइंग का प्रयोग किया ये V4 को चेंज करेंगे V3 में, V4 को चेंज करेंगे हेल्प का तीसरा रूप हेल्प, और तुरंत बाद आई हमारा इस साइड से इधर जा रहा तो क्या हो गया? बीइंग। दूसरा ही इज abusing her,
तो पीछे हमारा क्या है जी? हर। हर देखिए इस साइड से इस साइड आना, तो किसमें बदलेगा? सी। और सी के साथ क्या लगेगा? और यहाँ बी फोर है, बी फोर के पहले हमने क्या बताया? बीम। और बीम के बाद एब्यूज का तीसरा रूप एब्यूज, और तुरंत बाद हमारा क्या होगा? बाई। और फिर ही हमारा बदल जाए किसमें? हिम। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। एक टेंस, हर टेंस में फीलिंग वाइज बनता है, तो एक और हमारा बनता है, उसका नाम है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस इसमें एक्टिव वॉइस में देखते हैं तो सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट, हैज या तो हैव, प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैज या हैव का हैज या हैव, और प्लस अपने मन से क्या लगते हैं? बीन का प्रयोग करते हैं, भी थ्री का भी थ्री, और तुरंत बाद बाई, और ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ आके क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल, आई हैव हेल्प्ड हिम, तो पीछे हमारा क्या है जी? हिम। तो हिम पीछे से आगे आएगा तो क्या बनेगा? ही बनेगा, और ही सिंगुलर है तो उसके साथ सब्जेक्ट क्या लगेगा? और उसके तुरंत बाद जोड़ना है बीन। हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है? हेल्प, और भीतरी ये दिया हुआ है, प्लस तुरंत बाद अपने मन से बाई, आई आगे से पीछे जाएगा तो क्या बदलेगा? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू हैव चीटेड अस, हमारा अस है, अस देखिए उधर है, अस उस साइड से उस साइड जाने में कितना बदलता है? बी में, और बी के साथ क्या लगेगा? हैव, उसके बाद क्या हो जाएगा? बीन, और चीटेड हमारा भीतरी का भीतरी, तुरंत बाद बाई, और यू इस साइड से इस साइड आएगा तो यू।